नमस्कार, डॉक्टर्स एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप शिखर प्रजापति। आज डॉक्टर्स एडवाइस में हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान डेंटिस्ट डॉक्टर प्रतिमा वाजपेयी, जिनसे हम जानेंगे कि दांतों की समस्याओं को लेकर किस तरह से उनका हल निकाला जा सकता है। हम सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं, आपका परिचय एक छोटा सा हमारे दर्शकों के सामने। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिमा वाजपेयी है। मैंने इंदौर डेंटल कॉलेज से 1990 में बीडीएस की डिग्री ली। उसके बाद मैं इंटर्नशिप हाउस जॉब के बाद मैं मुंबई अपने पेरेंट्स के पास चली गई। वहाँ मैंने 2 साल कुछ टॉप नॉच डेंटिस्ट के साथ काम किया, कुछ एडवांस कोर्सेज किए, और शादी के बाद करीब करीब 27 साल से मैं अरेरा कॉलोनी भोपाल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैम, जैसे रोज़ आप पेशेंट्स संभालती हैं, तो मतलब एक आपके से पूछा जाए तो कितना, मतलब आपको ये लगता है कि बहुत मेहनत वाला काम या एक इंटरेस्ट के साथ आप करते चले जाती हैं? हाँ, बेसिकली मैं अपनी प्रैक्टिस को एज ए प्लेजर प्रैक्टिस देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब मरीज दांतों का दर्द लेके आता है और जब मैं उनको, जब वो हंसते हुए वापस जाते हैं, जब मैं उनका इलाज करती हूँ, दर्द उनका ख़त्म हो जाता है जब हंसते हुए जाते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन वो है। तो जैसे घर में कभी समस्या होती होगी तो आप उसको पेशेंट के तौर पर देखती होंगी या फिर कि नहीं तो फैमिली मेंबर है, तो फैमिली मेंबर, ऐसा फैमिली मेंबर आप उसका ट्रीटमेंट करती हैं? मेरे लिए चाहे घर का मेंबर हो चाहे पेशेंट हो, सारे ही, यदि उनको दांत की प्रॉब्लम है तो सारे ही मेरे मरीज हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट करती हूँ। और बताइए मैम, आप अपने बारे में, जैसे कभी कोई केस, ऐसा कोई फनी सा केस कोई आपके सामने आया हो? बहुत पेशेंट्स, जैसे हम लोग सालों से ट्रीट करते आए हैं, लेकिन कुछ मरीजों को ऐसा लगता है एस्थेटिक्स को लेके, अपनी स्माइल को लेके इतने कॉन्शियस होते हैं, इतने कॉन्शियस होते हैं, और फिर हम जब उनका इलाज करते हैं, पहले हम इलाज के पहले फोटोग्राफ्स लेते हैं, इलाज के बाद फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो बिल्कुल बाग बाग होकर जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत फनी पेशेंट्स भी होते हैं, घर जाके मिरर में एकदम पास में जाके देखेंगे तो फिर बोलेंगे मैडम यहाँ पे ऐसा वहाँ पे ऐसा, फिर उनको समझाना होता है जी, जी। कि हम स्माइल दूसरों की दूर से देखते हैं, है ना, बहुत नजदीक जाके किसी को नहीं देखते हैं। आमतौर पर लोग दिखते हैं कि जैसे मॉडल हो गए, एक्ट्रेस हो गई, तो उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, मतलब गर्ल्स ज्यादा इस चीज को लेकर काफी कॉन्शियस होती हैं। तो मतलब ऐसे कोई केसेस आते हैं कि नहीं मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ, मानो तो एक स्माइल के लिए मैम ऐसा कोई आप सजेशन आप देंगी, तो ऐसा कुछ कोई के लिए? तो आज की जनरेशन बहुत कॉन्शियस है, वो हमारे लिए आते हैं, मैडम ये कर दो, मैडम वो कर दो, लेकिन हम लोग डेफिनेटली उनसे कहते हैं कि जैसे एक्ट्रेसेस हैं, माधुरी दीक्षित हैं या ऐश्वर्या राय हैं, ये सारी जितने भी एक्ट्रेसेस हैं सभी ने डेंटल ट्रीटमेंट ही कराया हुआ है, तो जो इनकी जरूरत के लिए जितना जरूरी है उतना हम भी उनको करके देते हैं। तो शुरुआत हम पहले सवाल से करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो पूरी डेंटल प्रॉब्लम को लेकर है। तो जैसा कि अधिकांश लोगों में देखा जाता है कि कई लोगों को दांतों की समस्या होती है, जैसे किसी के टेढ़े दांत, दाढ़, मसूड़ों में सूजन आना, मुंह से खून निकलना, इन सारी समस्याओं का क्या निराकरण है? बेसिकली जब मसूड़ों से खून निकलता है तो मरीज को डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली मसूड़े की जो रोग होते हैं, जैसे कि यदि हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि आप सुबह और रात में 2 बार ब्रश करें, और मरीज जब खाना खाता है और रात में भी ब्रश नहीं करते या प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, तो उनके दांतों की सतह पे एक परत जमा हो जाती है जिसको हम प्लैक कहते हैं, और धीरे धीरे वो कैल्सिफाइड हो जाती है, जिसको हम पीली पपड़ी कहते हैं, टार्टर कहा जाता है इसको। तो तब जब मसूड़ों से इसलिए खून निकलता है क्योंकि गम्स में इरिटेशन होना शुरू होता है, तो मरीज को ऐसे समय में डेंटिस्ट से, दंत चिकित्सक से जाके परामर्श करना चाहिए, दांतों की सफाई करा लेना चाहिए। वहीं कुछ लोगों में देखा जाता है कि बहुत से लोग महंगे से महंगा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं,
तो उन लोगों को शिकायत होती है कि हम इतना महंगा भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे दांतों में चमक नहीं आ रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनको लेकर क्या सलाह देंगे आप? मेरा दर्शकों को ये सुझाव है कि आप लोग यदि ठीक से ब्रश करेंगे सुबह और रात में दो बार, तो पेस्ट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो दंत चिकित्सक आपको पेस्ट का जो सुझाव देंगे, यदि सेंसिटिविटी या कुछ भी। लेकिन जो यदि आपकी जो असली कारण ये होता है कि आप ब्रश प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो दांतों को ब्रश करने का तरीका है कि आप दांतों को, जैसे कि आपने ब्रश लिया है तो दांतों को आप ब्रश लेके 45 डिग्री एंगल पे ऐसे दांत के ऊपर रखें, उसको रोटेट करें, है ना, और डाउनवर्ड्स, तो ऊपर वाले दांतों में नीचे की तरफ और नीचे वाले दांतों में ऊपर की तरफ, तो ब्रश और जो चबाने वाली सतह है उसमें आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ। तो यदि ब्रशिंग टेक्निक आपकी अच्छी होगी तो आप दांतों को मेंटेन कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बड़े ब्रश से ही उनकी मदर जो होती है वो ब्रश कराती हैं, तो मतलब क्या बच्चों के लिए कोई अलग टूथब्रश होना जरूरी है? आजकल बच्चों के लिए अलग तरह का टूथपेस्ट आने लगा है। बच्चों के लिए यदि छोटे ब्रश, उनके बेबी टूथब्रश लेंगे तो ये फायदा होगा कि हम बच्चे प्रॉपरली, उसको हर्ट नहीं होगा गम्स वगैरह कहीं गाल वाल में, और वो प्रॉपरली अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। वहीं दांतों के कौन कौन से रोग होते हैं, मतलब अगर दांत खराब होते हैं तो उनको क्या सलाह देते हैं आपकी, किस तरह से वो दांत ठीक किए जा सकें? देखिए, होता क्या है नॉर्मली कि मरीज जो है दंत चिकित्सक के पास तभी जाता है जब उसको दर्द होता है। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप जैसे मिरर में भी अपने दांतों को देखें, आपको दांतों में यदि काला कुछ दिख रहा है तो आप दंत चिकित्सक के पास जाएं। तो बेसिकली दांतों में जब कीड़ा लग जाता है तो मरीजों को जाना चाहिए दिखाने, यदि फिलिंग की जरूरत होती है तो फिलिंग करा लेना चाहिए। और जब दर्द बहुत बढ़ जाता है या सूजन आ जाती है तब जो समस्या बढ़ चुकी होती है। वही अगला सवाल है कि रूट कैनाल क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या होता है कि दांतों में जब कीड़ा लगता है, दांतों में कीड़ा कैसे लगता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे दांतों में स्टिकी कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरह की कोई भी चीज, जैसे खाना जमा हुआ है, साफ नहीं हुआ है, तो दांतों के ऊपर जो है बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो एसिड फॉर्मेशन करते हैं, और इसी एसिड की वजह से दांत गलने लगता है और दांत काला पड़ने लगता है, जिसको हम कैविटी कहते हैं। अब क्या होता है कि यदि मरीज उस वक्त दंत चिकित्सक के पास नहीं पहुंचता है तो ये कैविटी धीरे धीरे दांत की पहली सतह, दूसरी सतह और तीसरी सतह होता है जो होती है वो पल्प होता है, तो यदि वहां तक पहुंच जाता है कीड़ा तो फिर मरीज को दर्द होता है, तब हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। तो जब पूरा टूथ अच्छे से सील हो जाता है, जो कंप्लीट रूट से लेके कोरोनल पोर्शन तक, तो उस जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद ज्यादातर केसेस में हम कैपिंग भी कर देते हैं जिससे कि दांत सुरक्षित हो जाता है। जी, जैसे आपने कैपिंग की बात कही, कुछ लोगों में ये आम समस्या होती है कि मतलब जब कैपिंग कर दी जाती है एक डेंटिस्ट द्वारा, तो जैसे खाते समय या पीते समय वो कैपिंग जो है वो लूज होने लगती है, तो उसकी उसको लेकर क्या आप कहेंगी? जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके दांत की जो ऊपर लगी हुई कैप है वो लूज हो रही है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखा दें। यदि वो लूज होगी तो जो दंत चिकित्सक है उसको निकाल के उसको रीफिटिंग कर देंगे। इसके अलावा भी यदि आपकी कैप हाथ निकल के हाथ में भी आपने संभाल के रखी हुई है तो आप एक दो दिन के अंदर दंत चिकित्सक के पास जाके उसकी रीफिटिंग करा सकते हैं। वहीं दांतों के लिए कौन सा अच्छा टूथपेस्ट या टूथब्रश भी अगर हम कहें तो कौन सा सही और सटीक होता है? बेसिकली मेरा आप लोगों को सुझाव है कि नरम जो टूथब्रश होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो जब आप सुबह उठते हैं, ब्रश लेते हैं, उसको थोड़ा हल्का सा गीला करें, और उसमें टूथपेस्ट कोई भी काम कर सकता है, लेकिन टूथपेस्ट का जो अमाउंट है वो जानना जरूरी है। एक मटर के दाने के बराबर आप टूथपेस्ट लें और उसको ब्रश पे फैला दें और फिर इस्तेमाल करें, और दो बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, और छः महीने में, हर छः महीने में दंत चिकित्सक से परामर्श लें।
आम लोगों में देखा जाता है कि मुंह की दुर्गंध के कारण मतलब एक बड़ी समस्या पैदा होती है, किसी को मतलब इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है उसमें, तो उसको लेकर क्या आप कहेंगी? जी, क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पपड़ी जब जमा हो जाती है दांतों के ऊपर और मरीज के मुंह से खून निकल रहा है लेकिन मरीज को ध्यान नहीं है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है व्यस्तता हो जो भी हो, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है दंत स्वास्थ्य का। यदि इग्नोर हुआ तो धीरे धीरे मुंह के अंदर पस आने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है मसूड़ों की दांत से पकड़ ढीली हो जाती है और पस ज़्यादा बनने लगता है, दांत ढीले लगने लगते हैं, गिरने लगते हैं, इसको हम पायरिया बोलते हैं। तो दंत स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुंह की दुर्गंध की जो आपने बात कही है तो इसमें आमतौर पर देखा जाता है, क्या ये दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है क्या? मुंह से दुर्गंध आने के कम 100 कारण हैं, उसमें से कुछ कारण दांत के भी हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यदि मुंह में पस आने लगता है, यदि दांत सड़ा है तो भी पस आएगा, मसूड़े खराब हैं तो भी पस फॉर्मेशन होता है, पस मवाद बनने की वजह से मुंह में बदबू आने लगती है। और इसके अलावा कुछ लोगों के मतलब क्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कुछ लोगों को ईसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है, मुंह में एसिड आने लगता है, तो बहुत सारे कारण है। यदि आपका पाचन ठीक नहीं है तो डेफिनेटली मुंह से बदबू आएगी, तो बहुत सारे कारण है। तो इसको लेकर क्या उपाय, कोई घरेलू उपाय इसमें कारगर साबित हो सकता है? घरेलू उपाय जैसे यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप यदि कोई इम्पोर्टेंट जगह आपको कहीं जाना है इस तरह की चीज, तो आप इस तरह की चीजों का सेवन करेंगे तो मुंह से बदबू आएगी। अदरवाइज यदि आपको डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से बदबू आ रही है या ये है तो आपको जरूर दंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों में आदत होती है कि ज्यादा ठंडा खाना या ज्यादा गर्म, तो क्या ये दांतों से जुड़ी एक समस्या हो सकती है? दांतों को कोई नुकसान होता है ज्यादा ठंडा या गर्म खाने से? मेरा सुझाव ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आप खाना खाए। आप मतलब जैसे गर्म सूप है आप उतना तो गर्म ले सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड डेफिनेटली दांतों के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। इसमें बच्चों को क्या सलाह देंगी? मतलब बच्चों में आदत होती है मोस्टली मतलब आइसक्रीम ज्यादा प्रेफर करते हैं छोटे बच्चे, तो मतलब कितना सही है उनके लिए आइसक्रीम? मीठी चीजें, ठंडी और आइसक्रीम खाने में कोई बुराई नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसलिए यदि कोई भी चीज सीमित मात्रा में सेवन की जाती है तो कोई नुकसानदायक नहीं है। वही अगला सवाल कर लेते हैं कि कुछ लोगों में मतलब एक भय होता है, एक डर होता है कि डॉक्टर या डेंटिस्ट जो भी डॉक्टर के पास जब वो परामर्श लेने जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं कि अरे आपकी ये समस्या है तो आपका ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन के नाम से लोग डर जाते हैं, तो उनको आप क्या किस तरह से मोटिवेट करेंगी? मेरा ये सुझाव है कि आपको दंत चिकित्सक से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। दंत चिकित्सक आपके लिए अच्छे से अच्छी सर्जरी और करते हैं, और लोग हमारी जो सर्जरी होती है वो बहुत माइनर सर्जरी होती है, लोकल एनेस्थीशिया दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी अकलदार अंदर है, फंसी हुई है, उसकी वजह से आपको बहुत समस्या है, तो लोकल एनेस्थीशिया दे के यदि अंदर फंसी है तो ऊपर से मसूड़ा कट करके फिर उसके ऊपर की बोन्स वगैरह हटा के दांत निकाल के उसको सूचर कर दिया जाता है। तो ये सारी सर्जरीज में आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि एनेस्थीशिया दिया जाता है। वहीं मसूड़े यदि बहुत ज़्यादा खराब हैं, फूले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी भी सर्जरी की जाती है, लेकिन डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और दंत स्वास्थ्य को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वहीं देखा जाता है कि कुछ लोगों को पान गुटखा खाने की आदत होती है, तो क्या दांतों को कोई नुकसान होता है इन चीज़ों से? बिल्कुल, पान और गुटखा तो बिल्कुल ही हानिकारक होता है। यदि हम देखने की तरफ से बात करें तो यदि पान गुटखा ये सब है तो दांतों के ऊपर पूरी स्टेनिंग हो जाती है, पहली बात तो ये है, तो वो तो हम साफ दांतों की पूरी सफाई और पॉलिशिंग से दूर कर सकते हैं, लेकिन ये तंबाकू बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि ये तंबाकू की वजह से कैंसर होने का खतरा होता है। इसमें जो टोबैको होता है वो हमारी जो अंदर की जो स्किन होती है नरम उससे उसको थोड़ा सा इफेक्ट करता है और उसको फाइब्रस बनाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पूरा मुंह खोल नहीं पाते हैं, तो उसको हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं,
और जो मुंह में पैचेस हो जाते हैं सफेद सफेद, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये सब कैंसर का रूप धारण कर लेना कर लेते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि पान सुपारी तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, जैसे आप नियमित आप पेशेंट्स को देखती होंगी तो ऐसे कई केसेस सामने आते होंगे, तो मतलब किस तरह से इसका इलाज संभव है, क्योंकि खासतौर पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कैंसर तक बात पहुंच जाती है कि इसे कैंसर हो गया है, मुंह का कैंसर हो गया है, तो क्या है उसकी सलाह? बेसिकली जब बहुत देर हो जाती है, मरीज हमारे पास आता है और कैंसर हो जाता है, तो हमें उसकी बहुत सारी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसको समझाना होता है कि अब आप इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, आप इस स्टेज तक आ चुके हैं इसका, फिर हम लोग मतलब कैंसर हॉस्पिटल हैं बहुत सारी वो हैं, उनसे रेफरेंस करके हम लोग उनका इलाज करते हैं। वहीं बात कैविटी की जाए, आपने बीच में भी अभी जिक्र किया था कैविटी का, तो क्या ज्यादा मीठा खाने से ही कैविटी होती है या फिर खट्टा तीखा या खारा खाने से भी कैविटी हो सकती है? बेसिकली जो स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें, क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे दांतों में चिपक जाती हैं, तो जब चिपक जाती हैं और हम इसको साफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं और अम्ल पैदा होता है और दांतों का गलना शुरू होता है। बहुत आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब भी जो बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उससे दांतों का इरोजन होना शुरू हो जाता है। तो मतलब इसको किस तरह से साफ किया जा सकता है कैविटी होने पे? कैविटी, दांतों में कीड़ा लगता है तो हम दो तीन तरह की फिलिंग्स करते हैं। पहले तो सिल्वर फिलिंग्स की जाती थी, आजकल हम दांतों से मैचिंग फिलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है अंदर फ्लोराइड रिलीज होता है, तो फर्दर अंदर जो है केरीज बढ़ने के जो कैविटीज हैं वो और ज्यादा बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब हम उसको सील कर देते हैं दांत को तो कीड़ा खत्म हो जाता है। वहीं शिकायत देखी जाती है कि मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों से खून आना, ये किन कारणों से होता है? मसूड़ों से इसलिए खून आता है क्योंकि हम यदि सुबह और रात में दो बार अच्छे से ब्रश नहीं करते, आमतौर पे हर मरीज हमसे आके यही कहता है कि मैडम हम तो बहुत अच्छे से ब्रश करते हैं लेकिन ब्रश करने का तरीका सही नहीं होता है, तो आपके जो दांतों की सतह पे प्लैक होता है एक, है ना, और वो यदि आपके आपने ब्रश अच्छे से नहीं किया, वो क्लीन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे पपड़ी जमा हो जाएगी, जैसे मैंने कहा कि टार्टर जमा हो जाता है, इस वजह से गम्स इरिटेट होते हैं, जिंजिवाइटिस जिसको हम बोलते हैं, मसूड़े जो हैं पूरे लाल हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें पस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, पेरोडोंटाइटिस हो जाती है, और आगे और बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा तो फिर पायोरिया होने का तो पूरा चांस होता है। तो मरीजों को बहुत जरूरी है अपने दंत स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सुबह और रात में दो बार ब्रश जरूर करें और हर खाने के बाद कुल्ला जरूर करें। जैसे कुछ लोगों को ब्रेजल्स लगे होते हैं तो उन्हें खाने पीने में काफी दिक्कत होती है, तो इस दौरान अगर जैसे किसी को ब्रेजल्स लग जाते हैं तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? बेसिकली जब ब्रेसेस लग जाते हैं तो मरीजों के लिए एक आजकल स्पेशल टूथब्रश होता है, वो उनसे उनको कहा जाता है कि आप सुबह रात में दो बार तो क्लीन करें, हर खाने के बाद भी क्लीन करें क्योंकि उसमें अंदर सब फंसने लगता है। और आजकल जो ब्रेसेस हम लगाते हैं उस तकनीक इतनी अच्छी है कि ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है और पेस्ट भी अलग तरह का दिया जाता है जिससे कि उनके दांतों में यदि जमा होता है उसको क्लीन करें, थोड़ा बहुत इग्नोर होता है तो कैविटीज भी नहीं होती है। तो ये है कि ब्रेसेस जो है बेसिकली आड़े टेढ़े दांत होते हैं उससे उनको सीधा किया जाता है। बेसिकली जब ब्रेसेस लगे होते हैं तो मरीजों को कड़क चीज नहीं खाना चाहिए, कोई बहुत चिपकने वाली चीजें नहीं खाना चाहिए, और चूंकि ब्रेसेस लगे होते हैं तो उनमें फंसता बहुत है, तो उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सुबह और रात में अच्छे से ब्रश करें और हर खाने के बाद भी ब्रश जरूर करें, और उसके लिए एक अलग पेस्ट भी आजकल बनाया गया है जिससे दांतों में कैविटी नहीं होती है। वहीं डेंटल एक्सरे की अगर बात करें तो ये कितना सुरक्षित है, क्योंकि एक्सरे जब किया जाता है तो जब वो
जितनी उसकी सीमित जगह होती है, जब वो वहां तक पहुंचता है तो क्या मतलब ऐसा कैंसर का भी खतरा बना रहा है? ऐसा कोई केस आपने पहले कभी देखा हो? बेसिकली एक्सरेज का एक्सपोजर हानिकारक होता है, लेकिन हमारे जो डेंटल एक्सरेज हैं उनका एक्सपोजर बहुत ही कम होता है। रिसर्च में ये आया है कि हानिकारक नहीं है ये एक्सपोजर एक्सरेज, तो फिर भी हम थोड़ा सावधानी से ही करते हैं। अंत में एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि मतलब आपने कहावत सुनी होगी कि छोटे बच्चे होते हैं वो लड़ते झगड़ते हैं तो वो गुस्से गुस्से में कह देते हैं कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, या फिर आपने और भी कहावतें सुनी है कि दांतों तले उंगलियां दबाना या दांत खट्टे करना, तो इन कहावतों को आप किस तरह से देखती हैं एक डेंटिस्ट के तौर पे? जैसे कि आपने कहा कि अकलदाड़, तो अकलदाड़ का ऐसा है कि जब अकलदाड़ के आने का समय होता है 17 से 25 साल, नॉर्मली आजकल तो कभी भी मतलब आती है अकलदार, तो ये कहते हैं कि जब आपकी अकल आ रही होती, आपके अंदर जब समझ आ रही होती तब ये दाढ़ आ रही होती है। तो बेसिकली अकलदाढ़ का अकल से कोई मतलब नहीं होता है, वो मरीज की उम्र वो होती है, इस वजह से उसको अकलदाढ़ कहा जाता है। तो डॉक्टर्स एडवाइस में हमने जाना दांतों की समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रस्तुत हुई डेंटिस्ट डॉक्टर प्रतिमा वाजपेयी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारियां हमसे शेयर की। तो अगले एपिसोड में हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।